जिस राज्य ने देश को सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री दिया और राष्ट्रपति दिए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। 21 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें आती हैं। दो सदन वाले उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विधानसभा की 404 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। देश के 15 में से 9 प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश से रामनाथ कोविंद ने शपथ लेकर राज्य से पहले राष्ट्रपति होने का गौरव भी हासिल किया। उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 316 तहसील हैं। राज्य की 16 करोड़ आबादी गांवों में रहती है। 1952 से लेकर अब तक यहां विधानसभा के 16 चुनाव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत काफी शानदार है, जो 16 साल में बनकर तैयार हुई। यहीं सदन की बैठक होती है। शुरुआत में सदन में केवल 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी। 1935 में विधानमंडल 2 सदनों वाला हो गया। तभी विधान परिषद के लिए अलग चैम्बर बना। आजादी के पहले यूपी को संयुक्त प्रांत कहते थे। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश से जिन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनमें लाल बहादुर शास्त्री, राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और पहले विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। आजादी के बाद राज्य की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आया। पहली बार विधानसभा 3 नवंबर 1947 को बैठी थी। 1949 में 2 सबसे महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पास हुए, वे थे भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। आजादी के बाद यूपी गरीबी उन्मूलन, हरित क्रांति, जमींदारी उन्मूलन लाने वाला पहला राज्य बना। साल 2000 में उत्तर प्रदेश 2 भागों में विभाजित हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश में महिला नेताओं ने शानदार काम किया है। विजयलक्ष्मी पंडित, राजेंद्र कुमारी, सुचेता कृपलानी, बेगम हमीदा, मोहसिना किदवई, मायावती जैसी महिलाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है।